हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंजीनियर एसके में। आज की बुक समरी बेस्ट सेलिंग ऑथर जेफ किलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग से है। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में निराशा है? क्या आप अपने आप को बेबस, असहाय या कमजोर सा महसूस करते हैं? क्या आपको काम बोझ लगता है? क्या आप अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं? तो आज की बुक समरी आपके लिए ही है। इस बुक में जेफ किलर बताते हैं कि हमारा हर दिन और दिन का हर काम हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है और कैसे हम अपने एटीट्यूड में चेंज ला सकते हैं, साथ ही कैसे हम सिर्फ 3 पावरफुल स्टेप्स को फॉलो करके अपने अंदर छिपे पोटेंशियल को बाहर ला सकते हैं। जेफ किलर बताते हैं कि इस बुक में दिए गए स्टेप्स और टेक्निक्स उनकी खुद पर अप्लाई की हुई ट्रायल एंड टेस्टेड टेक्निक्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक की समरी। विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपने मेंटल एटीट्यूड में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। जेफ किलर इस बुक में बताते हैं कि वह एक प्रोफेशनल लॉयर थे। उन्हें लोगों के डिस्प्यूट्स को सुलझाना अच्छा लगता था, बावजूद इसके कि उनकी एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ थी। उन्हें एहसास हुआ कि वह खुश नहीं थे। बहुत सारा पेपर वर्क, हियरिंग्स में डिले और पोस्टपोन, हियरिंग्स के टाइम और साथ ही अटॉर्नी का झूठी दलीलों को देखकर वह बहुत फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड थे। अपने काम और काम से संबंधित फ्रस्ट्रेशन को देखकर उन्हें आगे कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी। साथ ही उन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे। ओवरऑल कहा जाए तो वह अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। एक रात 1 बजे के करीब वह टीवी देख रहे थे और टीवी के चैनल बदलते वक्त उनकी नज़र एक टीवी प्रोग्राम पर पड़ी। इस प्रोग्राम का नाम था द मेंटल बैंक, जिसे एक्ट्रेस फ्लोरेंस हेंडरसन द्वारा एंडोर्स किया गया था। यह एक होम स्टडी कोर्स था जिसमें यह एक्सप्लेन किया गया था कि हम जो कुछ भी ज़िंदगी में हासिल करते हैं, कैसे वह हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ पर निर्भर करता है। वह इस कोर्स को लेकर इतना एक्साइटेड हो गए थे कि उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से उसे ऑर्डर कर दिया। जब द मेंटल बैंक प्रोग्राम उनके घर डिलीवर हुआ और उस प्रोग्राम को करने के बाद उनके जीवन का नज़रिया ही बदल गया। यह सब उस एक रात में ही नहीं हुआ, हाँ उस दिन से उनकी ज़िंदगी में रोज़ बदलाव आने लगा। लेखक बताते हैं कि उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। उन्होंने अपनी लाइफ के वह गोल्स अचीव कर लिए जो उन्होंने पहले कभी अचीव नहीं किए थे। उन्होंने नेपोलियन हिल, नॉर्मन विंसेंट, रॉबर्ट सोलर जैसे लोगों की किताबें पढ़ी। जिग ज़िग्लर और नाइटिंगेल, जिम रॉन, बॉब प्रॉक्टर जैसे लोगों के ऑडियो प्रोग्राम सुने। हालांकि उन्होंने अपने वकालत के काम को जारी रखा पर साथ में सेल्फ स्टडी प्रोग्राम भी चालू रखा। उन्होंने मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स और एटीट्यूड पर रिसर्च की। उन्होंने इस पैशन को एक हॉबी की तरह ही किया। हालांकि काम के प्रति वह अभी भी यह सोचते थे कि काश वह काम छोड़ सकते। जैसा कि डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा है, आप वो नहीं हो जो आप सोचते हो, दरअसल आप जो सोचते हो आप वो हो। मतलब आपका नज़रिया, आपका एटीट्यूड, आपकी कैरेक्टर आपके जीवन का निर्माण करते हैं। लेखक जेफ किलर इस बुक को 3 स्टेप्स के माध्यम से हमें एटीट्यूड में चेंज लाने का रास्ता बताते हैं। वह है थिंक, स्पीक एंड एक्ट। तो आइए चलते हैं पहले स्टेप की ओर। यह है सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। इस स्टेप में लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे हमारी सक्सेस हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि आप एक विंडो की तरह हैं जिससे आप इस दुनिया को देखते हैं, इसलिए खुद को साफ सुथरा रखें। मतलब आपका नज़रिया ही वह विंडो है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव एटीट्यूड से दुनिया को देखते हैं, वहीं कुछ लोग निगेटिव एटीट्यूड से दुनिया को देखते हैं। निगेटिव एटीट्यूड वाले लोग प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, कमियों को ढूंढते हैं, फाउंडेशंस पर फोकस करते हैं
और किसी काम के प्रति उनका नजरिया न कर पाने जैसा होता है। वही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हर काम को करने के प्रति सकारात्मक होते हैं। वे सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, वे हर चीज में पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति एक क्लीन मेंटल विंडो या एटीट्यूड के साथ पैदा होता है। समय के साथ जैसे जैसे वह बड़ा होता है, माता पिता, टीचर्स, रिलेटिव्स द्वारा बार बार क्रिटिसाइज करने, बार बार रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स, डाउट्स, कलीग्स द्वारा मजाक बनाए जाने और उसके आसपास के माहौल से उसके अंदर निगेटिव मेंटल एटीट्यूड बन जाता है। इस बुक में लेखक बताते हैं कि आप अपने एटीट्यूड में बदलाव ला सकते हैं और अपने एटीट्यूड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। आइए चलते हैं अगले चैप्टर पर। यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट, और नाइटिंगेल ने कहा है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। इस बुक में लेखक बताते हैं कि आप अपने एटीट्यूड में बदलाव ला सकते हैं और अपने एटीट्यूड और नाइटिंगेल ने कहा है वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, मतलब हम जैसा सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह होता है। आप सब यह तो जानते ही हैं कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, ठीक यही इंसानों पर भी लागू होता है। हम अपनी एनर्जी को एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करते हैं और एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह वैसी ही एनर्जी के लोगों को आकर्षित करते हैं। यदि आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आप नेगेटिव परिस्थितियों को ही आकर्षित करेंगे। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जॉन अगर अपने दिमाग में साल में $50,000 कमाने का लक्ष्य रखता है तो वह उसे कमाने की दिशा में ही काम करेगा और काम करते करते वह ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करेगा जिनके जरिए वह $50,000 कमा सके। वहीं अगर जॉन यह सोचता कि वह साल में $50,000 नहीं कमा सकता है तो वह उस दिशा में काम ही नहीं करेगा, फिर परिस्थितियां चाहे कैसी क्यों ना हों। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि आप आज जहां हैं, जरा सोचिए कि क्या आप थोड़ी बहुत डाइटिंग करके अपना वजन कम कर सकते हैं? नहीं ना, उसके लिए आपको हर दिन की हर मील पे कंट्रोल करना होगा। ठीक उसी तरह आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड लाना चाहते हैं तो सिर्फ दिन में 5 से 10 मिनट अच्छा या पॉजिटिव थॉट्स लाने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको अपने हर थॉट्स पर नज़र रखनी होगी और किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने से पहले थोड़ा टाइम लेकर उसके हर पहलू को समझना होगा, तब आप जाकर किसी रिजल्ट पर पहुँच सकते हैं। चैप्टर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस, एलेक्स मॉरिशन का एक फेमस कोट है। आपको किसी काम को करने से पहले उसे अपने दिमाग में एक साफ इमेज बनानी होगी, मतलब उस काम को करने से पहले आपको क्लियर करना होगा कि आपको करना क्या है। एक फेमस सिंगर सेलीन डियोन से जब पूछा गया कि आपने कभी ये सपने में भी सोचा था कि आप इतनी फेमस सिंगर होंगी, आपके लाखों रिकॉर्ड्स बिकेंगे और आप हर हफ्ते हजारों लोगों के सामने गाना गाएंगी, तो उनका जवाब था, यह कोई सरप्राइजिंग बोट नहीं है। मैं जब 5 साल की थी तब से मैं यह सब मन में इमेजिन करती आई हूँ। किसी काम को करने से पहले आपको अपने मन में उस काम की एक इमेज बनानी पड़ती है, इसी प्रोसेस को विजुअलाइजेशन कहते हैं। आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, हकीकत में करने से पहले आप वह मन में प्लान कर चुके होते हैं। यह प्रक्रिया बड़ी कारगर होती है। दुर्भाग्यवश लोग अपनी निगेटिव परिस्थितियों और निगेटिव चीज़ों को का चित्र बनाते रहते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी में परेशानियों का सामना करते हैं। एक अच्छी बात यह है कि हम अपने विजुअलाइजेशन को अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। आप जो चाहते हैं उसकी एक पॉजिटिव इमेज बनाइए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक सक्सेसफुल लाइफ, आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, ये सब कुछ आप पा सकते हैं। 1990 में जब जिम कैरी ने फेमस नहीं हुए थे, उन्होंने अपने नाम का $10 मिलियन का एक चेक लिखा और उन्होंने उस पर 5 साल बाद की डेट पर उस चेक पर डाली।
और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अगले 5 साल में वह उतना पैसा कमा लेंगी। जिम कैरी कहते हैं कि बात वहाँ सिर्फ पैसों की नहीं थी, वह जानते थे कि उस वक्त अगर वह इतना पैसा कमा रहे होंगे मतलब वह किसी अच्छे प्रोजेक्ट पर अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे होंगे। वह हमेशा इसी चीज़ को विजुलाइज करते थे। उन्होंने 1995 तक उस चेक के अमाउंट से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया था। विजुलाइजेशन आपकी सफलता की राह को आसान बना देती है, वॉल्ट डिज्नी ने कहा है। अगर आप सपना देख सकते हो तो आप उसे पूरा कर सकते हो। चैप्टर 4, मेक ए कमिटमेंट एंड यू विल मूव द माउंटेन्स। लेखक कहते हैं कि काम के प्रति लगन आपके लिए सफलता का हर दरवाज़ा खोल देगी, और किसी काम को लगातार करते रहने के लिए आप जो कमिटेड रहते हो वही कमिटमेंट आपको आपके गोल तक पहुंचने में मदद करता है। जब आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड रहते हो तो आप ऐसी परिस्थितियों और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में मदद करते हैं। लेखक बताते हैं कि मेरे लिए सफलता के रास्ते कैसे खुले। 1989 में मैंने मोटिवेशनल आर्टिकल लिखना शुरू किया। मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड की पावर और दूसरे सक्सेस प्रिंसिपल्स भी सीखे थे, और मुझे यह इन्फॉर्मेशन लोगों तक हर हाल पहुंचानी थी। मैं बहुत कमिटेड था पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करूं। मैं अपने आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपवाऊं या मैगजीन में या अपनी खुद की कोई बुक लिखूं। लेखक बताते हैं कि मैंने सबसे पहले अपने आर्टिकल को लोकल न्यूज़पेपर में छपवाया जिससे लोगों तक यह पहुँचे और लोगों में इंटरेस्ट जगे। कुछ महीनों बाद मेरे पास एक जेंटलमैन का फ़ोन आया जो कि फ्रीलांस राइटर थे और उन्होंने कुछ समय न्यूज़लेटर्स भी प्रोड्यूस किए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने आपका आर्टिकल अपने एक दोस्त के घर पर देखा था, मुझे वह बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपने कभी एक न्यूज़लेटर लिखने का सोचा है। लेखक ने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। लेखक उस जेंटलमैन से मिले और डिस्कस किया कि हम कैसे न्यूज़लेटर्स बनाकर सेल्फ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक महीने बाद एटीट्यूड इज एवरीथिंग का न्यूज़लेटर पब्लिश हुआ और लगभग 20 सालों में लाखों लोगों तक वह लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। यही कमिटमेंट का जादू है। लेखक कहते हैं कि हमें बस अपने काम के प्रति कमिटेड रहना चाहिए, और जब आप ऐसा करेंगे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। चैप्टर 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या कोई विपदा आती है तो हमारे मन में ये सवाल आते हैं कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मैं क्या करूं, मेरे सारे प्लान तो बेकार हो गए। दोस्तों, ये सवाल आना स्वाभाविक है, और जब यह डिसअपॉइंटमेंट कम हो जाती है तब हमारे पास चॉइस होती है कि हम उसी नेगेटिव थॉट्स के साथ गम और दुख में डूबे रहें या फिर उस प्रॉब्लम से सबक लेकर यह सोचकर फिर आगे बढ़ सकते हैं कि हो सकता है कि यह दरअसल एक अपॉर्चुनिटी हो। यह प्रॉब्लम हमें अपनी कंडीशंस को बेहतर बनाने की तरफ इशारा कर रही हो। प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कभी कभी समस्याएं एक ब्लेसिंग के रूप में हमारे पास आती हैं। एक आपदा या प्रॉब्लम हमें बहुत वैल्यूएबल चीज़ें सिखाती है। यह हमें हमारे दृष्टिकोण या नज़रिए को बदल देती है। प्रॉब्लम हमें आगे बढ़ना फोकस करना सिखाती है। एक प्रॉब्लम हमें हर किसी के प्रति शुक्रगुजार होना सिखाती है। यह हमारे अंदर छिपे पोटेंशियल को बाहर लाती है। प्रॉब्लम हमें एनकरेज करती है बदलाव के प्रति और उस पर एक्शन लेना सिखाती है। यह बहुत से कीमती सबक सिखाती है। एक प्रॉब्लम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम को पैदा करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, यह हमारे लक्ष्य के लिए एक नया रास्ता पैदा करती है। चैप्टर 6, योर वर्ड्स ब्लिज अ ट्रायल। लेखक कहते हैं कि आप जो शब्द रोजाना इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने कभी अपने शब्दों पर नज़र रखी है? आप अपने शब्दों को कितनी गंभीरता से चुनते हैं? हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द हमारे जीवन को उज्जवल भी बना सकते हैं
और हमारे जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि हमारे विचारों से हमारे शब्द बनते हैं, हमारे शब्दों से हमारा विश्वास, हमारा मत, हमारी धारणा, और हमारी धारणा से हमारे काम, और हमारे काम से हमारे परिणाम। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि टॉम किसी सामान के बेचने में बुरा है, जब मैं यही थॉट्स अपने कलीग के सामने कहता हूँ, मुझसे सेलिंग वाला काम नहीं होगा या मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, यही विचार युक्त शब्द मेरी धारणा बन जाते हैं और यह उस काम को कभी नहीं कर पाऊंगा या करूंगा तो अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, जिसका परिणाम असफलता होती है, समय और काम की बर्बादी, और इसका असर हमारी लाइफ पर भी पड़ता है और कभी भी पर्याप्त धन नहीं पाऊंगा। चैप्टर 7 हाउ आर यू, लेखक कहते हैं कि हाउ आर यू, इस वाक्य का इस्तेमाल लोग दिन में कई बार करते हैं और इसका जवाब लोग तीन तरीके से देते हैं। पहला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, दूसरा मीडियोकर और तीसरा नेगेटिव। इसी से हमें हमारे एटीट्यूड का पता चल जाता है। अगर हम इसका जवाब देते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, तो हमारे साथ साथ सामने वाले के अंदर भी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, और अगर हम कहते हैं कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है और आपके साथ साथ सवाल पूछने वाले को आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। आप पॉजिटिव एनर्जी से खुद को भरा हुआ महसूस करेंगे और लोग भी आपके पास आस पास रहना पसंद करेंगे। चैप्टर 8 स्टॉप कंप्लेनिंग, लेखक जेफ किलर कहते हैं कि अगर कोई आपके ऊपर अपनी सारी प्रॉब्लम्स और शिकायतों की बरसात कर दे, तो आप क्या करेंगे? शायद आप उससे दूर भागना पसंद करेंगे। सच्चाई भी यही है कि लोग उनसे दूर भागते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं। दरअसल कोई आपका दुख दर्द नहीं सुनना चाहता। शिकायत करना खुशियों को बर्बाद करने जैसा ही है। अगर आप उसमें सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो वह प्रॉब्लम का रूप ले लेती है जो कि लाइफ के लिए कंस्ट्रक्टिव है। ऑल नाइटिंगेल कहते हैं कि सेल्फ पिटी एक ऐसे एसिड की तरह है जो आपकी खुशियों को खा जाती है। लेखक कहते हैं कि आप जितनी ज़्यादा शिकायत करते हैं, आप उतनी ही ज़्यादा शिकायत करने वाली परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं, इसलिए हमें शिकायत करना बंद करना होगा। चैप्टर 9 एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल, दोस्तों बाइबल में लिखा है कि एक आईना इंसान का सिर्फ चेहरा दिखाता है, लेकिन वह क्या है यह इससे पता चलता है कि उसके दोस्त किस प्रकार के हैं। लेखक कहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने वाले और पॉजिटिव बोलने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं यह भी उतना ही जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग आपको आगे बढ़ने, सीखने और आपके लक्ष्यों को पाने में आपकी मदद करेंगे, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग आपको गलत राह पर ले जाकर आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। उदाहरण के लिए, माइक जब स्कूल में था, तब उसके आसपास के दोस्त निगेटिव एटीट्यूड से भरे हुए थे। वह जब भी कुछ नया सोचता, वे लोग उसका मजाक उड़ाते, जिससे माइक उदास हो जाता। माइक जब कॉलेज गया, तो उसे वहाँ नए दोस्त मिले जो पॉजिटिविटी से भरे थे, जो सीखना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे। माइक ने उन दोस्तों के साथ समय बिताने का फैसला किया, उसे अद्भुत परिणाम मिले। तुरंत ही माइक को अपने अंदर से अच्छा महसूस होने लगा, उसने लाइफ के नए दोस्त बनाए। लेखक बताते हैं कि अब माइक की अपनी सक्सेसफुल वीडियो प्रोडक्शन कंपनी है। जब माइक से पूछा गया कि पड़ोसी दोस्तों का क्या हुआ, तो माइक ने कहा कि वे अभी भी पड़ोस में ही रहते हैं, अभी भी निगेटिव हैं और अभी तक अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है। इसलिए दोस्तों, निगेटिव लोगों को ड्रीम किलर भी कहा गया है। ऐसे दोस्तों रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए। अपने दोस्तों को परखें कि वे पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं या निगेटिविटी से। अपने दोस्त समझदारी से चुने। चैप्टर 10 कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो, इमर्सन ने कहा है कि वह काम करें जिससे आपको डर लगता है
और उससे आपकी डर की मौत निश्चित है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल सफल बनना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। उसके लिए आप वह काम करें जिससे आपको डर लगता है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और आपको उसकी असफलता से डर लगता है तो आपको वह काम जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पर डर से तात्पर्य है कि वह चीज़ें जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए कुछ डर इस प्रकार होते हैं, जैसे लोगों के सामने बोलने या प्रेजेंटेशन देने का डर, रिजेक्शन का डर या ना सुनने का डर, नौकरी छोड़ने या अपना बिजनेस स्टार्ट करने का डर, किसी बड़े पदाधिकारी से बात करने का डर, किसी काम में फेल होने का डर। चैप्टर 11, गेट आउट देयर एंड फेल फेल्योर। हेनरी फोर्ड हर असफलता दोबारा से और समझदारी से शुरुआत करने का अवसर है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने बिना किसी असफलता के सफलता हासिल की हो। वह कहते हैं कि जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, तब तक आपको बिना रुके कोशिश करते रहना चाहिए, फिर चाहे कितनी बार भी असफलता आपके रास्ते में आए। लेखक या मशहूर टीवी होस्ट शैली जैरी का उदाहरण देते हैं कि शैली काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकती रही। घर न होने की वजह से वह गाड़ी में ही सोती थी। उन्होंने 26 सालों तक अपने क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं भरे। उन्हें 18 बार नौकरी से निकाला गया, लेकिन शैली फेल होती रही और फिर कोशिश करती रही। आखिर में उन्होंने एक सक्सेसफुल टीवी करियर बनाया और लाखों डॉलर कमाए। ये सिर्फ उनके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से हुआ। इसलिए दोस्तों, फेल होने से कभी ना डरें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहें। चैप्टर 12, नेटवर्किंग दैट गेट रिजल्ट्स। ज़िग ज़िग्लर कहते हैं, यू कैन गेट एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ यू जस्ट हेल्प अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। लेखक कहते हैं कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो इस काम को अकेले करने में बहुत वक्त लगेंगे। यह हो सकता है कि आप इसे अकेले न कर पाए। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी ऐसे लोगों की जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी मदद करें, एक ऐसे नेटवर्क या ऐसी टीम की जो एक दूसरे को लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करें। उससे आपको लोगों से अच्छे संबंध बनाने होंगे। आप लोगों को सुने, समझें और उनकी समस्या का समाधान करें। हर एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझें। आपको उनके साथ ऐसे बिहेव करना होगा जैसे आप उनकी केयर करते हो। लोगों की सच्ची तारीफ करें और हमेशा विन विन सिचुएशन पर फोकस करें। तो दोस्तों, अब आते हैं कंक्लूजन पर। आज की बुक समरी से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इंसान एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह होता है। वह जैसी सोच रखता है वह वैसा बन जाता है। अपने लक्ष्य को अपने मन में क्लियर करें, विजुलाइज करने की प्रैक्टिस करें, अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड रहें और आप बड़े से बड़ा लक्ष्य भी पा जाएंगे। अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें, हमेशा पॉजिटिव शब्दों का या पॉजिटिव आंसर्स करें। शिकायतें करना बंद करें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अपने डर का सामना करें, वह काम जरूर करें जिससे आपको डर लगता है, और फेलियर से न डरें, बस कोशिश करते रहें और आप अपने लक्ष्य को एक दिन जरूर पा लेंगे। और अंत में दोस्तों, टीम में काम करें। तो दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लें और अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करें। इसी के साथ मैं सुल्फी आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।